हेलो फ्रेंड्स, एमपी वीविंग में आपका स्वागत है। आज आपके लिए कैप का डिज़ाइन बता रही हूँ। इसके लिए मैंने 105 फंदे लिए हैं और इसे आप 105 फंदे लेकर इसे मैंने 8 लाइन की बॉर्डर बनाई है। अब इस बॉर्डर के बाद आप 6 लाइन और बुन जाओ। इस उसके बाद आप दो कलर से चाहो तो सिंगल कलर भी दे सकते हो, लेकिन डबल कलर और खूबसूरत लगेंगे। तो आपने मैंने यहाँ पिंक और ब्लैक लिया है। अब इसके लिए आपके 17 फंदे का ये डिज़ाइन है। अब जितने आपको बैठ सके इसमें, आप ऐसा करना कि 17, 8, 8, 16, ये बीच के 17 है। हर एक सीधी में एक फंदे बढ़ेंगे इधर और ये 3 के 1, 3 के 1, 3 के 1 हो जाएंगे। इस तरह से आपने आपको 8 लाइन ये, फिर 8 लाइन पिंक, फिर 8 लाइन ब्लैक, फिर अब इसके बाद इसे आप यूं ही छोड़ दो। उसके बाद आप इसे 6 भागों में बांटो। 6 भाग में बांट कर आप 3 के 1, 3 के 1 प्लेन बुनाई करनी है, उल्टी सीधी 3 के 1, 3 के 1, 3 के 1 करके 6 फंदे में। कोशिश करना कि ये जो है आपकी, यहाँ ज़्यादातर कोशिश करना जो इसमें पड़े तो खूबसूरत लगेंगे। 6-6 करके आपको इस तरह से बनाने हैं। 6 भागों में बांटकर षटकोण के तरह बन जाएंगे। और इसमें भी आपको 6-6 लाइन पिंक, 6 लाइन ब्लैक। ब्लैक को मैंने प्लेन कर दिया है, आप चाहो तो प्लेन भी कर सकते हो और पिंक भी कर सकते हो। फिर 6 लाइन पिंक बनाकर सबों को एक साथ निडल के सहारे, हर एक फंदे को निडल में घुसाते जाओ और सबों को एक साथ खींच लो। सारे फंदे खींच कर इस तरह से हो जाएंगे। उसके बाद इसमें पम-पम बना लो। आप या तो पम-पम बनाओ दो कलर में या सिंगल कलर में। बहुत ज़्यादा भी बनाओ, मैंने हाँ उंगली पर लपेट लपेट कर पम पम बनाना बता दिया, या बहुत घना बनाओ या कम, जिस तरह से आपकी ऊन हो उसी हिसाब से बनाओ। और इसके लिए मैंने आपको 15 फंदे लिए हैं, दोनों साइड बराबर बराबर बांट के। और 15 फंदे लेकर बस एक उल्टी एक सीधी करके मैंने ब्लैक से इसके दिया है, यहाँ आया और यहाँ बुनने के बाद आपका ये तैयार हो गया इस तरह से। तो टोपी बांधने के लिए तैयार है। ये बेबी कैप है छोटे बच्चों के लिए। आप जितने ज़्यादा फंदे लेंगे इस तरह से आप बनाना चाहेंगे। और इसी तरह से इसका फ्रॉक भी बनाया जाता है, जो मैं आपको बाद में बता दूंगी। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।